बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप भाइयों के साथ इजी पैसा अकाउंट को अपग्रेड करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप लोगों का इजी पैसा का अकाउंट अपग्रेड नहीं है और आप लोग उसको अपग्रेड करना चाहते हो तो बहुत ही आसान तरीके से करोगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मुकम्मल मालूमात शेयर करूँगा। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को आप लोगों ने लाजमन एंड तक देख लेना है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग टेक्निकल इजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप भाइयों तक पहुँच सके। दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना इजी पैसा अकाउंट ओपन किया हुआ है और उससे पहले मैं आप लोगों को इसकी लिमिट जो है वो बता देता हूँ। यहाँ पे मैं अपने प्रोफाइल पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये अकाउंट लेवल जो है वो लेवल 1 है अभी। अब लेवल 1 और इससे अपग्रेड करेंगे तो कितनी ट्रांजेक्शन हम कर सकेंगे डेली, मंथली, ईयरली, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले अकाउंट लेवल पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे अपनी लेवल को चेक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अभी नीचे जो है आप देख सकते हो डेली सेंडिंग लिमिट जो है वो 50,000 है, मंथली सेंडिंग लिमिट 2,00,000 है और ईयरली जो है वो तो ज़्यादा है लेकिन हमको इतनी नहीं चाहिए, लेकिन डेली और मंथली की हमको काम आती है। मैं इजी पैसा अकाउंट लेवल पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को जो अकाउंट्स हैं और उनकी अपग्रेडिंग जो है वो आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको जैसे ही ओपन किया हुआ है तो अब तीन तरह के लेवल हैं। एक लेवल जो जिसमें आप लोगों को, अगर आप लोगों का वेरीफाई अकाउंट नहीं है तो उसमें तो जाहिर सी बात है कोई भी ट्रांजेक्शन आप लोग नहीं कर सकते। तो ये जैसे ही ओपन हो जाता है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये तीन तरह की लेवल है, जो कि चौथा जो नॉन वेरीफाइड है उनके लिए एक्स लगा हुआ है, जो कि ये आप लोग अगर वेरीफाई नहीं है तो कोई भी सर्विस इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेवल 0 में यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कुछ सर्विस जो है वो दी गई है और कुछ में नहीं है। ठीक है, और लेवल 1 है और आसान डिजिटल अकाउंट है। इसकी अब ट्रांजेक्शन लिमिट जो है हम चेक कर लेते हैं। मैंने ट्रांजेक्शन लिमिट पे चेक क्लिक किया है तो यहाँ पे इनकी पूरी जो भी सर्विसेज दे दी गई है वो यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल 0 में आप जो है वो तकरीबन 2,00,000 का बैलेंस जो है वो रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लेवल 1 में अनलिमिटेड है और आसान डिजिटल अकाउंट जो है वो 10,00,000 है। यही जो आसान डिजिटल अकाउंट है मेरा लेवल 1 में है, हम अपग्रेड करेंगे तो 10,00,000 इसमें डेली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मंथली इसमें सेंडिंग लिमिट है और ईयरली आप लोग तकरीबन 1,20,00,000 है। ठीक है, अब रिसीविंग लिमिट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो उसमें भी डेली में आप लोग 10,00,000 करवा सकते हो और लेवल 1 में जो है वो 50,000 है। मंथली में आप लोग देख सकते हो लेवल 1 में 2,00,000 है और मंथली इसमें जो आसान डिजिटल अकाउंट है उसमें 10,00,000 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे अपग्रेड योर अकाउंट लिखा रहा है, आप लोगों ने यहाँ पे अपग्रेड पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हो यू कैन नाउ अपग्रेड योर अकाउंट लेवल एंड एंजॉय ऑल इजी पैसा फ्यूचर्स विद एन इनहेंसड मंथली ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ 10,00,000। ठीक है, 10,00,000 तक आप लोग इसमें जो है वो डेली ट्रांजेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे मैं फिर से अपग्रेड अकाउंट नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपग्रेड नाउ पे क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे मेरी डिटेल जो है वो आ चुकी है। ठीक है, आप लोगों का नाम आ जाएगा, एक्सपायरी की सीनसी एक्सपायरी डेट और आप लोगों की वालदा मोहतरमा का नाम आ जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। यहाँ पे जो आप लोगों का नाम ऊपर आ चुका है इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लोगों ने अपना जेंडर चूज़ कर लेना है, मैंने जेंडर चूज़ कर लिया है, मेल फीमेल जो भी आप लोगों का जेंडर हो। उसके बाद यहाँ पे जिस खानों में आप लोगों की डिटेल भरी हुई है आप लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपने फादर का जो नाम है वो लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, जो भी आप लोगों के फादर का नाम हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फादर नेम आप लोगों ने अपना फादर का नाम लिख लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की ऑटोमेटिक लिखी आएगी, प्लेस ऑफ बर्थ आप लोगों की ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा आएगा और यहाँ पे ऑक्यूपेशन आप लोगों का पेशा कौन सा है वो आप लोगों ने यहाँ से चूज़ कर लेना है। कोई भी पेशा आप लोगों का हो यहाँ से आप लोगों ने वो पेशा चूज़ कर लेना है। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद यहाँ पे मैं जो भी पेशा आप लोगों का हो वो चूज़ करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे पर्पोज ऑफ अकाउंट यहाँ पे कोई भी यहाँ पे दे सकते हो, या आप लोग जो भी यहाँ से चूज़ करना चाहो वो यहाँ से चूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड्स, यहाँ पे आप लोगों ने सोर्स ऑफ फंड जो है वो यहाँ पे चूज़ कर लेना है। यहाँ पे कोई भी आप लोगों का लाइव स्टॉक हो, प्रॉपर्टी रेंट, या कोई भी आप लोगों का सोर्स ऑफ फंड्स हो तो वो यहाँ पे आप लोगों ने चूज़ कर लेना। अगर सैलरी पर्सन है तो यहाँ पे आप लोगों ने सैलरी पे क्लिक कर लेना, या ओधर पे भी आप लोग चूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे एडिशनल डिटेल, फाइव मोर डिटेल रिक्वायर्ड, यहाँ पे आप लोगों ने डिटेल में यहाँ पे पूरे पे नो पे रहने देना है, क्योंकि यहाँ पे ये यूएस सिटीज़न वालों का लिए है जिनके पास यूएस का ग्रीन कार्ड होल्ड है, तो वो यहाँ पे येस करेंगे। अदरवाइज़ आप लोगों ने यहाँ पे सब पे नो पे रहने देना है, नो पे टिक कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये ओनली अमेरिकन जो है कंट्रीज़ वाले जिनके पास ग्रीन कार्ड है, या फिर एड्रेस, टेलीफोन नंबर उनके पास है, कोई भी डिटेल अगर वो अमेरिका से इसको अप्लाई कराए तो उसको देनी पड़ेगी, अगर नहीं तो आप लोगों ने यहाँ पे सब पे नो पे रहने देना है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों ने यहाँ पे एग्री कर लेनी है, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। फिर से मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी सेल्फी पिक्चर जो है वो ले लेनी है। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी कैमरा को अलाउ कर लेना है, और जो भी आप लोगों की पिक्चर आएगी वो यहाँ पे आप लोगों ने पिक्चर को चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पिक्चर जो है वो ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर को मैंने यहाँ पे ले लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो आप लोगों की अगर पिक्चर सही नहीं आए तो रीटेक पिक्चर पे क्लिक करें, अगर सही आई तो आप लोगों ने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे मैं सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे लोडिंग हो रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुकी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो योर एप्लीकेशन टू अपग्रेड योर अकाउंट इज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, और टीम विल रिव्यू योर डॉक्यूमेंट्स एंड यू विल रिसीव कन्फर्मेशन विद इन 2 वर्किंग डे। तो आप लोगों की जो भी ये रिक्वेस्ट है वो आप लोगों की रिव्यू करेंगे, और डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के जो भी यहाँ पे आप लोगों ने सेल्फी दी है और जो भी अदरवाइज आप लोगों का जो भी डेटा होगा वो रिव्यू करके आप लोगों को 2 वर्किंग डे में आप लोगों का ये अकाउंट जो है वो अपग्रेड कर दिया जाएगा, और आप लोगों को मैसेज भी भेज दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ बात समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।